बहुत वाह अभिजीत, क्या शर्म हो रॉकी का? तुम देख नहीं रहे, जैसे हम बाहर जाते वो दोनों बाहर चले आते हैं, जैसे हम थोड़ा सा इधर उधर घूमने जाते वो दोनों चले आते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है वो वर्ल्ड के बेस्ट कपल है। पर क्या करें अब, बहुत कुछ है मेरे दिमाग में। जितना मैं रॉकी को जानती हूँ वो किसी लड़की के प्यार में इतना जल्दी पड़ ही नहीं सकता। मैं भी जितना शर्वरी को जानता हूँ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसका करियर है, बाद में ये सब। पता नहीं उसको क्या हो गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, हमें आगे बढ़ के इसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। पर कैसे करें? ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे बस इतना बताओ तुम मेरे साथ हो। तुम क्या करने वाले हो पहले मुझे साफ साफ बताओ। पहले मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है जनेब, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यही जानना था मुझे। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी जोया के पास जा रही हूँ। जोया के पास क्यों जा रही हो? बहुत जल्दी पता चलेगा तुम्हें, बस बाहर आ जाना जैसे ही मैं बुलाती हूँ। शर्वरी ने पहले ही भेजा फ्राई कर दिया है, ये जला ना दे। बस जोया मान जाए, मुझे तो लगता है वो मान जाएगी, अभी जिसकी बहुत अच्छी दोस्त है। हे जोया। जेनी, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बोलो ना कैसी हेल्प। अंदर आके बात करें। आ जाओ अंदर। थैंक यू। जेनी जोया के घर गई, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रहे, पता चलेगा मुझे। बोलो जेनी, क्या बात करनी थी? जोया, वो बात ये है कि जोया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जेनी होश में तो हो क्या? बेहुदा बात कर रही हो तुम। बेहुदा? वो क्या होता है? कैसे समझाओ तुम्हें, तुम जो भी कर रही हो बकवास है। What? Yes. इससे रिश्ते तो टूटते ही है, पर जो घाव दिल पे लग जाते हैं वो कभी भर नहीं पाते। जोया, हर बार की तरह तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा प्लान है। जेनी, सोच समझ के कदम उठाओ, एक नहीं चार जिंदगियों का सवाल है। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर रही हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। वो तो दिख रहा है। क्या बोला तुमने? कौन करेगा मेरी हेल्प? मैं फिर बोल रही हूँ जेनी, एक बार सोच लो। हेलो जेनी। हे दीदी, क्या बात है, सोसाइटी में बहुत घूम रही हो तुम? कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे जोया के पास आई थी, मेरा एक काम था, बट जोया ने मना कर दिया। जोया, वैसे तो तुम सबकी बहुत दोस्त बनी फिरती हो, कभी दोस्तों की मदद भी किया करो। काम अच्छा होता तो जरूर करती। काम अच्छा हो या बुरा हो, आपको अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। अब मुझे और शर्मिला को देखिए, 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को, जब से शादी करके आई है वो वहाँ पे मैं यहाँ पे, बातें करते रहते हैं, घूमने जाते हैं, उसकी हर बुराई में मैं उसके साथ रहती हूँ। माफ कीजिए, अगर मैं एक अच्छी दोस्त हूँ तो अपनी दोस्त को गलती करने से रोकूंगी, और अगर मैं नहीं रोकती तो मुझसे अच्छे तो दुश्मन है उसके। शुरू हो गया इसका ज्ञान, जाइए जाइए अपना नृत्य कीजिए, आपको वही काम है। अच्छा है मेरे पास काम है, नहीं तो आपके जैसे घूमना पड़ता मुझे कान लगाते हुए। मैं क्या बोलती हूँ सुमित्रा जी, कोई काम ढूंढ लीजिए ना, कब तक ऐसे दरवाजों पे दीवारों पे खिड़कियों में कान लगाती घूमोगी, अच्छा नहीं लगता वो। बस बस मुझे मैं सिखाई है। जेनी, सोच लेना एक बार। आई बड़ी मुझे काम देने। अच्छा जेनी सुनो। यस दीदी। तुम्हारा जो भी काम है ना मुझे बता दो, मैं यूं कर दूंगी। ओके दीदी, सच में आप मेरी सोसाइटी में असली वाली दीदी हो, यू आर माय असली वाली दीदी। आ जाओ धमाका करते हैं मिलके। बोलो क्या काम लेके गई थी तुम जोया के पास जो उसने तुम्हें भगा दिया? दीदी, मैंने शर्वरी को सबक सिखाने का पूरा प्लान कर लिया है, अब शर्वरी का खेल खत्म। वो भगाएगी ना, शर्वरी की जिगरी दोस्त है वो, उनकी गुटरू को चलती रहती है दिन भर। वो अभिजीत और शर्वरी, थ्री इडियट्स हमने उनका नाम ही रखा है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम अब शर्वरी के खिलाफ जा रही हो। बहुत अच्छी वो वैसी है, जितनी मीठी दिखती है ना उतनी मीठी नहीं है वो, बहुत कड़वी है। क्या है तुम्हारा प्लान वैसे? आपको मैंने एक बात नहीं बताई, अभिजीत ने शर्वरी को लव लेटर दिया था। क्या? वॉचमैन की शादी में, बट गलती से वो मेरे पास आ गया। अभिजीत शर्वरी को लाइक करता है, इसकी वजह से वो टूट गया।
शर्वरी भी उसको लाइक करती होगी। नहीं अब नहीं करती, रॉकी के साथ चक्कर है उसका। दीदी गुस्सा क्यों कर रहे हो जेनी, जो चल रहा है मैं वही तुमको बोल रही हूँ, तुम भी देख रहे हो ना सोना रॉकी बेबी, उनका वही चक्कर तोड़ने के लिए मैं बहुत बड़ा घन चक्कर करने वाली हूँ। पर कैसे? अरे वाह अब लग रहे हो ना तुम मेरी छोटी बहन, आज से तुम्हारा नया नाम छोटी, मैं तुमको छोटी ही बुलाऊंगी, तुम सच में मेरी छोटी बहन हो। क्या प्लान दिया है? ऐसा प्लान अगर सोसाइटी में चल गया धमाका 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 हो जाएगा। धमाका क्या, धमाके पे धमाका होगा सोसाइटी में, ऐसा धमाका होगा सब उठ जाएंगे। दीदी एक अच्छी सी साड़ी लाओ ना। साड़ी साड़ियाँ नहीं है मेरे पास इतनी अच्छी, ड्रेसेस है। पर एक काम करती हूँ ना, शर्मिला के पास होती है बहुत सारे, वो साड़ी पहनती है वो, मैं उसके पास जाती हूँ अच्छी सी साड़ी लेके आती हूँ, बहुत मजा करेंगे, उसको भी साथ लेके आती हूँ। ओके दीदी आई एम वेटिंग, हरी अप। शर्मिला दरवाजा खोलो जल्दी। शर्मिला आ रही हूँ आ रही हूँ, जरा शांत, कितना जोर से चिल्लाती हो, बाथरूम तक तुम्हारा आवाज आता है एकदम क्लियर। बोलो शक्कर खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, दूध खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? नहीं 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 आज मुझे शक्कर नहीं चाहिए, मुझे आज साड़ी चाहिए। हाँ को भाई साड़ी? हाँ साड़ी। क्यों चाहिए साड़ी? सात साल निभा लिए तो अभी से प्रिपरेशन कर रही हो क्या संस्कारी बनने की? क्या क्यों किस लिए ये सब बातें मुझसे मत पूछो, तुम जल्दी जाओ और साड़ी लेके आओ। बरे बरे लाती हूँ रुको जरा, अब तक शक्कर मांगती थी ठीक था, वो दे देती हूँ मैं, आज साड़ी मांग रही है, नहीं वो भी दे दूंगी मैं, कल गाड़ी मांगेगी, इसकी फरमाइश तो बढ़ती ही जा रही है। क्या कर रही है? साड़ी निकाल रही हूँ। मैनर्स ले, दरवाजा बंद करके निकाल, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? मेरी साड़ी नहीं निकल रही, कबड़ में साड़ी निकल रही हूँ। क्या आप कुछ भी बोलते हो? आराम से आ, कबड़ में मत घुस जाना। शर्मिला लाओ जल्दी। लाती हो? कहाँ रह गई है? जरा सा दम धीर नहीं है ना, दो साड़ी रुको, ये साड़ी मैंने एक भी बार नहीं पहनी, श्रेया ने पहनी थी वॉचमैन की संगीत में। अच्छा नहीं तो बोलोगी दोस्त ने दी पहनी हुई साड़ी, मैंने नहीं पहनी, मेरी बेटी ने पहनी है बस। ये लो। लो क्या लो, तुम मेरे साथ चलो। आगो भाई आओ आओ। क्या हुआ ऐसे मुझे खींच के लाया? दरवाजा लगा लो। बोलो। जानी सोसाइटी में बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। यस शर्मिला दीदी। भाई 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 क्या धमाका करने वाली हो जेनी? अभी नहीं बताएंगे हम तुमको, सरप्राइज देंगे। वाओ आपकी साड़ी काफी अच्छी है दीदी। मेरी नहीं है शर्मिला की है। आओ सॉरी आपकी साड़ी काफी अच्छी है शर्मिला दीदी, जेनी को पहनानी है। चलो अच्छे से खड़ी रहना एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसे में देखो कैसा मेरा मुंह कैसा है, एकदम वैसी खड़ी रहना। भाई कितना हंस रही है वो। जेनी हंस क्यों रही हो तुम, हंसो मत इतना। सॉरी दीदी वो कुछ ज्यादा ही खुदकुदी हो रही है। कंट्रोल कंट्रोल, मैं कंट्रोल कर रही हूँ दीदी, बस आपका चेहरा देखती हूँ तो। शर्मिला तुम भी हंस रही हो। सॉरी हाँ पर बराबरी बात करिए जेनी, तुमको देख के हंसी आती है। शांत बैठो दोनों, एक तो ये साड़ी मुझसे कैसा होता है यहाँ? क्या कर रही हो सुमित्रा, वैसे नहीं करते वो, एक ही बार होता है, दो मुझे मैं करती हूँ, मुझे डेली का एक्सपीरियंस है, तुम हटो। सॉरी दीदी। हाँ तो जब तक कुछ नहीं चली है साड़ी पहनाने। जेनी भाई अब देखो मैं तुमको किस साड़ी पहनाती हूँ। शर्मिला दीदी धीरे, लड़की हूँ मैं, आई एम नॉट पुतला। सॉरी सॉरी धीरे से करती हूँ। मुझे साड़ियाँ पहले से ही पसंद नहीं है, अपने ड्रेसेस अच्छे हैं, साड़ियों की बहुत किचकिच होती है, ड्रेस का अच्छा है ऊपर से डाल दो हो गया। तुम जाके मेकअप करके आओ, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है। नहीं जो नहीं आता वो नहीं बोलना चाहिए, अब हम शर्वरी थोड़ी है, 4 किलो मेकअप थप के चले। 4 किलो नहीं वो 10 किलो मेकअप लगाती है, एक दिन ने उसका मेकअप सबके सामने निकलवा के रहूंगी, मुझे भी देखना है विदाउट मेकअप शर्वरी का लुक। दीदी आओ क्या? आ जाओ देखने दो हमें तुम्हारा 4 किलो मेकअप, देखने दो हमको तुम्हारा मेकअप। भाई 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 भाई
वाह 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 जेनी, क्या दिख रहे हो तुम? मेरी नजर न लग जाए मेरी प्यारी छोटी। मैं तैयार हूँ। अगर तुम तैयार हो तो अपना खेल शुरू कर दो। मैं अभी जाती हूँ। जेनी जाओ तुम जल्दी से अभिजीत के पास, मैं चिप्स लेके आती हूँ। आज चिप्स के बिना मेरा मन लगेगा नहीं। बदमाश, टाइम टू यू। अभिजीत, अभिजीत की हाल? मैं ब्रांडेड, मेरे चिप्स ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, बेटी ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। अभिजीत, अभिजीत। जेनी आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम कहीं पे। वाओ अगू भाई, अभिजीत का चेहरा देखो, लाल लाल टमाटर जैसे हो गया है। रसगुल्ला आ गई बाहर? आ गई आ गई, आके फाड़ के देख रही है। हाँ फाड़ने दो, जितनी आके फाड़नी है। खुद ने भी किया है लफड़ा, अगर अपना दोस्त करता है तो उसमें बुराई क्या है? खुद भी खुश वो भी खुश, दोनों रहो खुश। कैसी लग रही हूँ मैं? वाओ कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुमसे नहीं पूछा मैंने रॉकी। यस अभिजीत, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्रीटी दिख रही हो तुम सच में। थैंक्स। शर्वरी का साड़ी वाला लुक खतरे में है। बहू, ए बहू, काले तुझको मना किया है ना, बाहर वालों की बातें मत सुना कर। सासू मां बात ही इतनी बड़ी है, जेनी ने साड़ी पहनी है। शर्वरी तो रोज ही साड़ी पहनती है, उसमें नया क्या है? शर्वरी ने नहीं, जेनी ने, जेनी ने। जेनी, ओहो वाह, आज फॉरेन की बाबी डॉल इंडियन गुड़िया बनी है। कितनी गुड़ दिखती है ना सच में। बहुत प्यारी लग रही है तू सच में, मेरी नजर ना लग जाए। इधर से ही ले ले टीका। क्या पूरी सोसाइटी में साड़ी में खूबसूरत मैं ही दिख रही हूँ? हाँ पूरी सोसाइटी में सबसे अच्छी, बस एक को छोड़ के। कौन एक? मिस ब्यूटीफुल। उसके साड़ी वाले लुक को कोई बेटी नहीं कर सकता, वो दुनिया की बेस्ट साड़ी पहनती है। ये कुछ ज्यादा ही हो गया श्रेया की दादी। ज्यादा तो तेरा मुंह आ गया है बाहर, उसको पहले जरा अंदर कर। ब्रांडेड मुंह है मेरा? क्या ब्रांडेड मुंह? आपको ब्रांडेड का स्पेलिंग भी पता है? पता है मुझे ब्रांडेड का स्पेलिंग? मुझे नहीं पता, बता दीजिए क्या है ब्रांडेड का स्पेलिंग। मैं क्यों बताऊं? नहीं पता, नहीं पता। बी, बी के बाद बी आर एंड एंड। हाँ बोल तो दिया तूने, नहीं सुना? बस अंडे अंडे सुनाई दिया। ऐसे डंडे मारूंगी ना मैं तुझे। वैसे जेनी आज साड़ी क्यों पहनी है, कोई खास बात है? वो आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। कहीं तेरा हैप्पी वाला बर्थडे तो नहीं? विश यू हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जेनी बहन, वाट दिवसाचा हार्दिक शुभेच्छा। रियली हैप्पी बर्थडे? नो नो नो, मैं अब बच्चे नहीं है। तो क्या है? कैसे बताओ, मुझे बहुत शर्म आती है। बोल दो जेनी जल्दी, मेरा चिप्स का पैकेट खत्म होने को आया, इतना मत शर्माओ। अभिजीत, अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट बात करनी है तो घर में जाके करते, यहाँ पे लोग फ्री का तमाशा देख रहे विद चिप्स। देखने दो अभिजीत, क्यों हमारे पेट पे लात मार रहे हो? मैं चाहती हूँ ये बात पूरी सोसाइटी सुने, सोसाइटी का हर एक, हर एक। सुन रही हो जेनी, तुम कोई चिंता मत करो, देख भी रही हो, तुम अपनी बातें करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना। वो रॉकी बेबी के लिए संदेश करना है। सर्वरी बहन कोई मौका नहीं छोड़ती जेनी को जलाने का। जेनी ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? जैसे ही मेरा ब्रेकअप हो गया मैं टूट गई, बिखर गई, पर उस बिखरी हुई जेनी को तुमने समेटा, मुझे संभाला, तुम मेरा सहारा बने मेरे दुख में, मेरे दर्द में। आई लव यू अभिजीत, विल यू मैरी मी? जेनी क्या है ये? बाबू जेनी, इसने तो शादी के लिए प्रपोज कर दिया अभिजीत को। क्या बोल रही हो तुम, सोच के बोलो कुछ। जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। वाह दिल खुश चम खुश हो गया जेनी, क्या बात किया तूने। बोलो ना क्या है तुम्हारा डिसीजन, यस या नो? हाँ। कहा ये फौरन की बाबी डॉल और कहा ये मेले का गुंडा, क्या जोड़ी दिख रही है दोनों की? खुद ही प्रपोज कर रही हो और खुद ही शर्मा रही हो।
जेनी, सच में तुम्हारे साथ रह के मुझे काफी अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग आज तक मुझे कभी नहीं आई। कि जी आपने कुछ बोला? ऐसे कैसे हो गया इतनी जल्दी? आपका भी तो जल्दी में हुआ था। प्यार है, कभी भी हो सकता है। क्यों शर्वरी जी, आपकी लाइन से या मेरी नहीं, ऐसा आप ही बोल रही थी कुछ दिनों पहले। कांग्रेचुलेशंस यू बोथ। थैंक यू सुमित्रा जी, आपके चिप्स काफी पसंद है मुझे, कभी मुझे भी दिया कीजिए, खुद ही खाती हो। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है सोसाइटी में। सदमा लग गया बुढ़िया को।